छत्तीसगढ़ में आज से लॉकडाउन खुल रहा है। राजधानी की दुकानें शर्तों के मुताबिक खोली जाएंगी और लॉकडाउन के अंतिम दिन जिला प्रशासन और व्यापारी संगठनों की बड़ी बैठक के बाद ये छूट से व्यापारी काफी ज्यादा खुश देखे जा रहे हैं और कारोबार को 5 पालियों में बांट दिया गया है। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक सब्जी, डेयरी, मटन, मछली और सुबह 8 से शाम 4 बजे तक किराना, जनरल प्रोविजन, दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक अन्य सभी व्यवसाय खुले रहेंगे और सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक रेस्टोरेंट, होटल और डाइनिंग, होम डिलीवरी और सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ठेले व खाद्य सामग्री बेचने वालों के लिए समय निर्धारित किया गया है। लॉकडाउन आगे बढ़ाने के लिए जिला कलेक्टर परिस्थितियों के अनुसार फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है और गाइडलाइन के पालन के साथ ही दुकान खोलने की ही छूट दी गई है। इसमें ढिलाई बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रायपुर में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में आज बाजार खुल जाएंगे, इसके लिए समय भी निर्धारित किया गया है और साथ ही कहा गया है कि जो सरकार की गाइडलाइन है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना, अगर उसमें किसी तरह की ढिलाई होती है, लापरवाही बरती जाती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सभी दुकानों को 6 भागों में बांटा गया है और उसी के अनुसार समय भी निर्धारित किया गया है। अलग अलग समय पर सारी दुकानें खुलेंगी और जिसको लेकर काफी ज्यादा शर्तें भी रखी गई हैं कि किसी तरह की भी कोई लापरवाही होनी नहीं चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में लगातार जो कोरोना मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जिसको लेकर सभी की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि काफी ज्यादा प्रयास भी किए गए हैं पर फिर भी अभी भी राजधानी रायपुर हॉटस्पॉट बना हुआ है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं शिवम मिश्रा। शिवम, कुछ दुकानें खुल गई हैं और कुछ खुलना अभी बाकी है, किस तरह की हलचल देखी जा रही है मार्केट में? जी बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन 2 के 16 दिन बाद आखिरकार आज लॉकडाउन को खोल दिया गया है और राजधानी रायपुर और जो बीरगांव नगर निगम पर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया था, तो उसके कारण जो आर्थिक गतिविधियां थी राजधानी रायपुर में, वो आर्थिक गतिविधियों को अब वापिस चलाने के लिए, वापिस से पटरी पर लाने के लिए कल जिला प्रशासन और व्यापारिक संगठनों के बीच एक बड़ी बैठक हुई है। कलेक्ट्रेट में बड़ी बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है कि जो दुकानों को खोलने का समय वो 5 स्तरीय फॉर्मूले पर जिला प्रशासन की ओर से दुकानों को, व्यापारों को वापिस आर्थिक गतिविधियों पर लाने के लिए निर्णय लिया गया है। इसमें से सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक के लिए जो किराना स्टोर है, जो जनरल स्टोर है, जो सुपर बाजार है, उसको खोले जाएंगे। सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक करके सब्जी मार्केट और डेयरी वेरी और जो अन्य मीट की दुकानें हैं उन्हें खोली जाएगी। सुबह के 11 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक का जो समय है वो अन्य समस्त व्यापारियों के लिए रखा गया है। इसी बीच सुबह 11 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक के लिए रेस्टोरेंट और डाइनिंग रखा गया है। सुबह रात के 8 बजे से लेकर के और रात के 10 बजे तक के लिए केवल होम डिलीवरी का समय रखा गया है। इन सभी 5 स्तरीय फॉर्मूले के साथ जिला प्रशासन ने लॉकडाउन को आज खोल दिया है और इसी बीच कलेक्टर ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि 5 स्तरीय फॉर्मूले पर लॉकडाउन को खोला गया है, अगर इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बरती गई तो यहाँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। व्यापारियों के ऊपर 15 दिन के लिए दुकानों को सील कर दिया जाएगा। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि जो कंटेनमेंट जोन है, लॉकडाउन खोलने के बाद जो कंटेनमेंट जोन है, जो रायपुर नगर निगम में कंटेनमेंट जोन आते हैं, उन सभी जोनों पर किसी प्रकार से दुकानों को नहीं खोला जाएगा। वहां सभी व्यापार प्रतिबंध लगाए गए हैं। उस बीच अगर वहां पर किसी प्रकार का व्यापार होता है, किसी प्रकार की दुकानें खुलती है, तो उस पर नगर निगम द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी शिवम, इस वक्त आप मार्केट में ही मौजूद है, मैं चाहूंगी कि दर्शकों को कुछ तस्वीरें आप दिखाएं कि किस तरह की वहां पर हलचल है और लोग कितने ज्यादा अवेयर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने कहा कि इस वक्त हम यहाँ पर पंडरी कपड़ा मार्केट पर मौजूद है और यहाँ पर साफ तौर पर जो लॉकडाउन आज खुला है, अभी लगभग सुबह के 9 ही बजे हैं, लेकिन 9 बजे से जो लॉकडाउन खोलने के बाद जो मार्केट पर हलचल दिख रही है कि यहाँ पर अन्य गतिविधियों के द्वारा यहाँ पर गाड़ियां चल रही है, लगातार बड़ी संख्या पर लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं और जो बैरिकेड्स लगा करके जो पुलिस प्रशासन रोकते थे लोगों को आने जाने वालों से पूछताछ करते थे, वो बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं क्योंकि आज से लॉकडाउन हट गया है।
इसी के साथ ही अगर बात करें कोरोना के बढ़ते संक्रमण के साथ लोगों के जागरूकता की अवेयरनेस की, तो आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से हर एक व्यक्ति मुंह में मास्क लगाया हुआ है, और जो जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है कि एक गाड़ी पे एक और दो व्यक्ति से ज्यादा नहीं बैठ सकते, उसका पालन किया जा रहा है। हर एक व्यक्ति के मुंह में मास्क है। इसी के साथ ही जो दुकानें खुली हैं, दुकानों में भी ये नियम लाया गया है कि जो व्यापारी है वो अपने दुकानों पर कम से कम 50 मास्क को तो अनिवार्य रूप से रखे। अगर कोई भी ग्राहक खरीदारी करने आता है और उसके पास मास्क नहीं है तो व्यापारी उसे अनिवार्य रूप से मास्क दे। इसके साथ ही जो दुकानें हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजर और जो अन्य कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका निश्चित तौर पर पालन करना होगा। बिल्कुल शिवम, और तस्वीरें देखकर लगता है जैसे दुकानें बंद है, तो दुकानदारों को सही वक्त का इंतजार है कि समय जब होगा तभी दुकान खोलेंगे। तो कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता काफी ज्यादा अवेयर दिखाई दे रही है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।